हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है प्रीति और मेरा नाम है सौरभ और फिल्मी फाइल्स में आपका स्वागत है। सनी देओल की अपकमिंग मूवी चुप का टीजर लॉन्च हो गया है। जी हाँ दोस्तों, सनी देओल काफी लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाले हैं, जो कि अपनी चुप द रिवेंज ऑफ आर्टिस्ट के साथ दिखाई देंगे, जिसमें वो एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें दलकर सलमान भी स्क्रीन शेयर करते हुए आपको नजर आएंगे। तो दोस्तों देखते हैं इस मूवी का टीजर और आप लोगों के साथ एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। 4, 3, 2 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। गुरुदत्त के बर्थडे पे कागज के फूल। नाइस। अरे वाह, कागज के फूल को उस वक्त बहुत क्रिटिसाइज किया था ना। ओहो, चुप द रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट, रिटन एंड डायरेक्टर आर बाल्की, कमिंग सून, जल्दी दोस्तों आपको दिखाई देगी। छोटा सा टीजर, बहुत ही छोटी सी झलक दिखाई गई है इसकी, जिसमें आपको सनी देओल की एक छोटी सी झलक दिखाई देती है। साथ ही इसमें एक मर्डर मिस्ट्री भी छुपी हुई है, जिसमें उन्होंने 4 स्टार्स दिखाए हैं और सभी खून से रंगे हुए हैं, सिवाय चौथे स्टार को, वो आधा है और ब्लड टपकते हुए दिखाई देता है। और चुप भी जो है वो एक रिवेंज लेने वाला है कि आर्टिस्ट का रिवेंज क्या होगा, जिसमें पूजा श्रेया ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि गुरुदत्त की जो फिल्म आई थी कागज के फूल, उसको काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। जी दोस्तों, आर बाल्की ने इस मूवी का जो ट्रेलर रिलीज किया है वो गुरुदत्त की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए रिलीज किया है। बिल्कुल, जिसमें दुलकर सलमान कागज के फूल बनाते हुए नजर आ रहे हैं और वो श्रेया पूजा को उसको गिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें श्रेया पूजा कह रही हैं कि गुरुदत्त की बर्थ एनिवर्सरी पर कागज के फूल गिफ्ट कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, गुरुदत्त की कागज के फूल पर होने वाली आलोचनाओं पर सीधा निशाना साधा गया है। जब ये मूवी आई थी तो कई लोगों ने इस फिल्म की आलोचना की थी, जिसका जवाब इस टीजर में इस मूवी के द्वारा दिया गया है। टीजर को देख के अभी मूवी का कुछ ज्यादा पता तो नहीं लगा है, लेकिन हाँ, कागज के फूल से लगता है कि कागज के फूल को लेकर स्टोरी में कुछ नया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक रिवेंज स्टोरी होने वाली है, जो कि एक आर्टिस्ट की रिवेंज स्टोरी है, जिसमें आप देख ही सकते हैं छोटे से टीजर में जो दिखाया गया है, और एक मर्डर मिस्ट्री वगैरह टाइप की हो सकती है। तो ज्यादा कुछ तो इसमें रिवील नहीं किया है, लेकिन जितना था वो पॉइंट टू पॉइंट दिखाया गया है कि किस तरीके की स्टोरी होने वाली है। बिल्कुल, बेसिकली आपको इस टीजर के अंदर मुख्य किरदारों की झलक दिखाई गई है छोटी सी, और मूवी का टाइटल रिवील किया है और उसका जो सब टाइटल होता है उसके बारे में बताया गया है, और थोड़ा सा हिंट दिया गया है कि किस बारे में ये पिक्चर होने वाली है। बिल्कुल। तो दोस्तों, सनी देओल काफी लंबे समय बाद एक मूवी लेकर आ रहे हैं और होप सो ये मूवी अच्छी हो, क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट स्टोरी लग रही है। हालांकि इनकी जो पहली मूवी थी वो कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रही थी, ये मूवी इनकी अच्छी हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस मूवी का टीजर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।